ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। हम लिख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन तो वो किया नहीं है। कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। एन ए प्लस दिया गया है, एन ए प्लस है, ठीक है, दरवाजा बंद करना, दरवाजा बंद करना, एन ए प्लस है, के प्लस है, एम जी टू प्लस है, के प्लस है, एम जी टू प्लस है, और सी ए टू प्लस, एस टू माइनस, सी ए टू प्लस और एस टू सल्फर टू माइनस, और उसके बाद क्या दिया गया है, आर्गन ए आर दिया गया है। और आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर है चैप्टर। अच्छा, ये तो पता है सर, पेज नंबर हो गया, मिल गया। अब देखिए, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी होती है इनका क्या मतलब होता है, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्वल है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। अब देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, सोडियम का, ठीक है, 11 होता है। इसका मतलब जो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे वो 11 हो जाएंगे, इतने ही निगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर सोडियम हमें प्लस कहा गया है, इसका मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया है, आयोनाइज कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाएगा तो जो सोडियम है वो प्लस बन जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी इसके पास 11 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम हो जाएगी, क्योंकि एक ये क्या दे दिया है, लूज कर दिया या रिमूव कर दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया। इसी तरह से के लिए 19 होता है एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन कितना हो गया, 19 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, 19 हो गया। लेकिन के प्लस है, इसका मतलब इससे भी एक इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन इससे भी रिमूव किया गया तो जो आयन बना वो के प्लस आयन बना। इसका मतलब इसके पास अभी भी प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन तो नहीं निकाले जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया गया एक तो या आयोनाइज कर दिया गया है, तो यहाँ पे 19 होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होंगे उसके सेल में वो 18 हो जाएंगे। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम प्लस और के प्लस दोनों के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 10 है, एक के पास 18 है, तो एटलीस्ट इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह से आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं, एमजी के पास देखते हैं हम लोग। तो जो एमजी है, एटॉमिक नंबर कितना होता है एमजी का, 12 होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके पास जो प्रोटॉन हो जाएंगे वो 12 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 12 होगा। अब एक अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आयोनाइज करते हैं, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये Mg के पास प्लस वन चार्ज आ जाएगा, है ना, ये मोनोवेलेंट केटायन फॉर्म करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन की संख्या तो नहीं बदली, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, 12 माइनस 1, 11 हो गया। लेकिन Mg 2 प्लस की बात करनी है, इसका मतलब सक्सेसिवली एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी पहले की अपेक्षा, है ना, क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब फॉर्म हो जाएगा Mg2+, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 12 रहने वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो Mg2+ है ना, और जो Na+ है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। इसका मतलब इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दीज आर कॉल्ड द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात किसको किसकी करनी है, सी ए टू प्लस की। तो कैल्सियम एटॉमिक नंबर 20, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 20,
एटॉमिक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो भी 20, लेकिन Ca+ एक आयन हम रिमूव कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो ये मोनोवेलेंट केटायन बना लेगा। प्रोटॉन उतने ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 19 हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज Ca2+ हो जाएगा। इसका मतलब प्रोटॉन तो उतना ही रहा लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 18 हो गया। ये बात समझा गया? ठीक है, तो Ca2+ के पास 18 इलेक्ट्रॉन है और K+ के पास भी क्या थे, 18 इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब K+ और Ca2+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आखिरी कौन बचा, दो बचे सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है ना। इसका मतलब इसके पास जो प्रोटॉन की संख्या है वो 16 है। एटम न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन बराबर अमाउंट में होगा, 16 होगा। अब इसके पास ये निगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब जब इसके सेल में हम एक इलेक्ट्रॉन एड ऑन करेंगे, एड अप करेंगे, तब इसके पास जो प्रोटॉन है एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहली बात, जब एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम ऐड कर रहे हैं है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनकी जनसंख्या एक बढ़ गई, 16 से क्या हो गए +1, एक 17 हो गए। लेकिन मोनोवेलेंट एनायन फॉर्म कर रहा है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब कि जो सल्फर 2- है, डाइवेलेंट एनायन है, उसके पास प्रोटॉन 16 रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इससे पता चलता है कि जो आपका K+ है, Ca2+ है और S2- है, ये तीनों ही क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आखिरी कौन बच गया, आखिरी बच गया आर्गन। तो आर्गन क्या है, न्यूट्रल एटम है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18। मतलब प्रोटॉन 18 हो गए और इलेक्ट्रॉन भी 18 हो गया। इसका मतलब ये चारों, कौन कौन से चारों, K+ और क्या है, Ca2+ और आपका S2- और आर्गन, ये चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। और उधर से कौन कौन से हो गए, Na+ और Mg2+, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ठीक है, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स में और कोई रिलेशन नहीं है। 22 नोट कर लो। क्वेश्चन देखिए, अब तो सबसे पहले हमने कहा था कि जब भी आप आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उससे पहले आपको पैरेंट एटम का करना पड़ेगा, और पैरेंट एटम का करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यही आपका आउटर मोस्ट हो गया, है ना, एक ही सेल है तो सबसे ले ही आउटर मोस्ट हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एड ऑन करना है तभी ना माइनस चार्ज आएगा इसके ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, ऐड कर दिया। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है, ये 1s में आने वाला है। ठीक है, ये कहाँ आने वाला है, 1s में। तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, 1s में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, और आगे जब s- हुआ तो जो अगला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया है वो एड ऑन हुआ 1s में और अपोजिट स्पिन में, जाहिर सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। तो H- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहा जाएगा, 1s2 कहा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से अब सोडियम का अगर हम लोग करते हैं तो सोडियम के लिए क्या हो जाएगा, Na एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सोडियम 11 है और 10 किसका होता है, नियॉन का होता है। ठीक है, नियॉन का है ना, कैसे याद रखते हैं हम लोग, हम लोग जानते हैं हे नानी है ना, आराम कर जिंदा रहेगी, है ना, जिंदा रहेगी, आरएन रहता है, ऐसे याद रखते हैं। इसका 2 होता है, इसका 8 ऐड कर देंगे, है ना, इसमें 8 ऐड करते ही ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इसमें फिर 8 ऐड करते हैं,
तो 18 हो जाता है, और फिर 18 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 18 36 है ना, फिर 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। इसके बाद 32 सीधे ऐड करते हैं, मैजिक नंबर्स 32, तो 4 2 6 हो गया और 5 3 86 हो गया। तो किसी का अगर चाहिए आपको, किसी आपके पास जो इनर्ट गैस है, किसी का एटॉमिक नंबर चाहिए तो बड़े आराम से बता सकते हैं। अब हमें पता है कि ये 11 है, 11 का मतलब इनर्ट टर्म के, इनर्ट गैस के टर्म में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो ये 10 के बाद आता है, तो 10 नियॉन के पास हो गए और आगे एक इलेक्ट्रॉन और बचा है ना, तो 10 का मतलब ये सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल पूरा फुल हो गया होगा। अब थर्ड सेल से स्टार्ट होगा तो यहाँ कहेंगे ये 3s1 हो जाएगा, ये बात समझ आ गया। अब यही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो आप कंप्लीट लिख लीजिए, कैसे लिख सकते हो 1s2 2s2 और 2p6, यही हम कह रहे हैं ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और आपका क्या हो गया 3s1। लेकिन Na+ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे कि ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे एटम से, मतलब आयोनाइज करेंगे एटम को, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो जो कौन सा रिमूव होगा, कहां से रिमूव होगा, 3s से, क्योंकि यही आउटर मोस्ट है, यहाँ 3s 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो Na+ है उसको आप लिख सकते हो, या तो आप इनर्ट गैस के टर्म में लिखिए नियॉन और 3s 0 लिखिए, या फिर आप पूरा लिखिए, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s 0 है ना, तो लिखना जरूरी तो है नहीं, तो बस हम इतना लिखेंगे, ये बात समझ आ गया। चाहे वो लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों बात क्या है, बराबर है ना। तो दैट इज अः ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, किसके साथ, नियॉन के साथ। तो जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज कॉल्ड द कर्नल, ये कर्नल कहा जाता है ना, इनर मोस्ट एक्सेप्ट टू द बैलेंस सेल, ये कर्नल है। तो कर्नल जो है वो इनर्ट गैस से मैच कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या एटम ने अपना जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी अटेंड कर ली है ना, क्योंकि कर्नल क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह से आप O2 माइनस का देखेंगे तो O2 माइनस करने के लिए पहले पैरेंट एटम O का करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 8 है, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2s2 और P4 2p4 हो गया है ना, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके बैलेंस सेल में, बैलेंस सेल कौन सा है, ये 1 वाला k सेल है और 2 वाला क्या है l सेल है, एल सेल में 2 और +4 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना अनस्टेबल है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, ले लेगा, गेन कर लेगा किसी से, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक एक करके तो वो दोनों कहाँ एड ऑन होने वाले हैं, आउटर मोस्ट सबसेल में, मतलब 2p में, जब 2p में जाएंगे तो O2 माइनस के पास 1s2 टू तो एस टू और 2p6 हो जाएगा। अब ये ये किससे मैच कर गया, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से मैच कर गया है ना, ये भी नियॉन हो गया है ना। इसी तरह से आखिरी आपके पास डी वाला है, क्या करेंगे आप, एफ फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, देखिए 4 तो यही हो गया, 5 और चाहिए है ना, 5 9 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कि रिमूव करेंगे, क्योंकि ये माइनस है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया ई माइनस, इसका मतलब कि दैट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, अगेन ये नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या कर गया, मैच कर गया, ये बात समझ में आया ना, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है नियॉन से मैच कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ये इसके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए। कैसे बेटे, तो देखिए हमने क्या कहा कि ये एटॉमिक नंबर आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर रिकवर करना है, लेकिन यहां तक भर के पहुंचने वाला कैसे पहुंचा होगा, अभाव को फॉलो करते हुए पहुंचा होगा, मतलब इससे पहले जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो फुलफिल्ड होंगे,
तो कौन कौन से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है? 3s से पहले 2p होगा, 2p पूरा भर गया होगा, 2s भी भर गया होगा, और इससे पहले 1s ये भी भर गया होगा। अब ये भरने में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए? 10 और एक 11। इसका मतलब उस एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, और 11 इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज है, एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे वो 11 प्रोटॉन हो जाएंगे, और 11 प्रोटॉन का मतलब कि एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया? 11 हो गया। ये बात समझ में है? तो हमें उस एटम का एटॉमिक नंबर पूछ रहा था, 11 हो गया। अब तो एटम के बारे में बता सकते हैं, कौन सा एटम होगा? सोडियम होगा, ये भी बता सकते हैं, है ना। और ये भी बता सकते हैं कि ये कौन से ग्रुप का मेंबर होगा, या कौन से, हम लोग कहते हैं ना कि जो पीरियोडिक टेबल है वो चार ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करता है ना, उस एलिमेंट को उस ब्लॉक में जगह मिलती है ना। जैसे चार कॉलोनी है, ठीक है, नहीं एक कॉलोनी है, चार ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, है ना। तो किसी मेंबर को एस ब्लॉक में अलॉट किया जाएगा जगह, किसी को पी ब्लॉक में अलॉट किया जाएगा, किसी को डी ब्लॉक में अपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा, और किसी को एफ में। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन। बाकी सब कहाँ गए उसे कोई मतलब नहीं है, आखिरी पे ध्यान रखा जाएगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, अगर वो एस सबसेल में जाएगा तो उसे एस ब्लॉक में अलॉट कर दिया जाएगा जगह, अगर वो पी सबसेल में जाएगा तो पी ब्लॉक में उसे अलॉट कर दिया जाएगा, डी सबसेल में जाएगा तो डी ब्लॉक में अलॉट कर दिया जाएगा, और एफ सबसेल में जाएगा अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन तो उसे कहां अलॉट किया जाएगा? एफ ब्लॉक में। तो बताओ ये कहां गया आखिरी इलेक्ट्रॉन? एस ब्लॉक में गया आखिरी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये बात समझ में आया ना? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं थी। अब हम लोग बात करते हैं, इसे कर लेंगे। तो 2p से पहले कौन भरा होगा? 2s, और 2s दो इलेक्ट्रॉन, और 2s से पहले क्या होगा? 1s2। अब बताओ कुल कितने हो गए? 7। तो इसका यहां पे हम कहेंगे उसी तरह से 7 इलेक्ट्रॉन है, काउंटर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए 7 प्रोटॉन चाहिए, और 7 प्रोटॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 7 हो गया। अब 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नाइट्रोजन का। अब हम लोग एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, ये किस ब्लॉक में इसको अलॉट किया जाएगा? आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में गया है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है ये। ये बात समझ में आया? इसी तरह से यहां पे क्या हो गया? इससे पहले 3p से पहले 3s, 3s होगा ना, 3s2, और फिर 2p भर गया होगा, 2p6, और 2s2, और फिर 1s2। अब बताओ 6 4 10, और 10 और 7 17, 17 इलेक्ट्रॉन काउंटर करने के लिए 17 प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 17। और जैसा हम लोग जानते हैं कि ये क्लोरीन होता है, और वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का। तो ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। तो हमसे तो सिर्फ एटॉमिक नंबर पूछा था, हम लोग एटम भी गेस कर सकते हैं, उसका ब्लॉक भी बता सकते हैं। ये बात समझ में आया ना? और उसका पीरियड भी बता सकते हैं। कैसे पीरियड बताएंगे? जो इसमें एन की हाईएस्ट वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 3 है ना, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा। पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड होते हैं, बस समझ में आया ना। ये हो गया थर्ड पीरियड में, और ये हो गया सेकेंड पीरियड में, और ये क्या है? ये भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये भी बता सकते हैं, मतलब हम लोग पीरियड भी बता सकते हैं और ब्लॉक भी बता सकते हैं, ठीक है, बाय लुकिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कर रहे हैं, अब देखो, तो हमारे पास एटॉमिक, ये क्या पता है? देखो एटम बताना है, अब एटॉमिक नंबर अगर हमें पता चले तो एटम बता सकते हैं हम लोग। तो ये बताओ हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा, एक ये, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या आने वाला है? जेड, जेड आने वाला है इसका, 3 आने वाला है, और 3 किसका होता है? लिथियम का होता है। ये हो गया लिथियम, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। इसी तरह से नियॉन, 10 इलेक्ट्रॉन तो ये लेके बैठा है इनर कोर,
है ना, कर्नल हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन कर्नल में और ये 5 इलेक्ट्रॉन और एड ऑन हो गए, तो कुल कितने हो गए, 10 5 15 हो गए। ठीक है, 15 का मतलब फास्फोरस है, ये बात समझ में आ गया। इसी तरह से ये 18 हो गया, ठीक है, और 18 और ये 3 कितने हो गए, 21, 21 हो गया, 18 प्लस 3 21। हाँ, स्कैंडियम होता है, क्या होता है, एससी स्कैंडियम, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, ये तो आंसर रहा जो पूछा गया, उसका जवाब हो गया एक्स्ट्रा। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक क्या है, एस है, ब्लॉक एस है, पीरियड क्या है, सेकेंड है, ब्लॉक क्या है, पी है, पीरियड थर्ड है, गुड, ब्लॉक डी का है, पीरियड भी थर्ड है, ये बात समझ में आया ना। और डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन क्योंकि एलिमेंट। वो अपनी बैलेंसी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो, आयरन है, Fe2+ फेरस, Fe3+ फेरिक हो जाता है ना, तो ये अपनी बैलेंसी ट्रांजिट कर सकते हैं, ट्रांजिशन है ना, ये कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं। बोल दे, इसका पीरियड 4 होगा, क्योंकि इसके हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, प्रीवियसली हम लोगों ने गलत मार्क कर लिया था। तो यहां पे क्या कह रहा है आपको, 24 क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो क्या अलाउ करेगा, जी ऑर्बिटल को। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो आपका एन इक्वल्स टू 1 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, के सेल हो गया, के सेल है, तो इसमें कौन कौन से सबसेल होते हैं, सिर्फ एस सबसेल होता है, 1s है ना। और अगर एन इक्वल्स टू 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो हम कहेंगे कि 2s भी एग्जिस्ट करेगा, s भी एग्जिस्ट करेगा और p भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, लेकिन 1 में p एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात समझ में है ना। क्यों, क्योंकि गिवन वैल्यू ऑफ n, l की वैल्यू कम होती है एक, है ना, कहां से, 0 से लेके n माइनस 1 तक होती है। ठीक है, इसका मतलब n इक्वल्स टू 3 के लिए जो l वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 2 हो जाएगी, 3 नहीं हो सकती है, एन माइनस 1 तक जाएगी, मतलब 3 माइनस 1 2 तक जाएगी। 0 का मतलब क्या हुआ, एस ऑर्बिटल, किसका एस है, 3s है, ये क्या है, पी है, एल वैल्यू अगर आपका क्या है, 1 है, तो पी है, मतलब 3p हो गया और 3d हो गया। इसका मतलब जो थर्ड ऑर्बिटल है, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 है, तो वो डी तक को अलाउ करता है, वो किसको नहीं अलाउ करता है, एफ को या आगे जी को अलाउ नहीं करता है, ये बात समझ में आया ना। इसका मतलब कि अगर हम बात करें एन इक्वल टू 4 के लिए, तो क्या हो जाएगा, एल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3, इससे एक कम तक रहेगी, है ना, 0 से लेके एक कम एन की वैल्यू, मतलब ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया और ये एफ तक अलाउ करेगा, और किसके ये सब हैं, 4 के हैं, ये बात समझ में आया ना। इसी तरह से इसका मतलब एन इक्वल टू 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी जी को अलाउ नहीं करता है। आगे देखते हैं हम लोग, अगर एन इक्वल टू 5 होता तो हम क्या करते, एल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 4 हो जाएगी, मतलब ये एस ऑर्बिटल है, सबसेल है, और ये क्या हो गया, पी सबसेल, डी हो गया, एफ हो गया, अब क्या हो गया, पहली बार जी की एंट्री हुई है, कहां से, एन इक्वल टू 5 से, ये बात समझ में आया ना। और 5 के बाद 6 में भी जी आएगा, जी के बाद भी एक आ जाएगा, है ना, ठीक है, जी आई जो भी हम कह लें एक ऐसे ही। इसका मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 से जी ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, जैसे डी ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट था, एन इक्वल टू 3 से, तो एन इक्वल टू 4 में भी डी है, एन इक्वल टू 5 में भी डी है, लेकिन लीस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है फॉर एग्जिस्टिंग डी ऑर्बिटल, 3 है, ये बात समझ में आया ना। अच्छा, ये तो हमने डिटेल में बताया है, लेकिन क्विकली ऐसे नहीं करेंगे, क्विकली कैसे करेंगे, हम कहेंगे जी ऑर्बिटल है, अच्छा जी ऑर्बिटल है, मतलब हम कहेंगे कि इसकी एल वैल्यू कितनी हो जाएगी, है कि नहीं, जी ऑर्बिटल के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि जब एस होता था तो एल वैल्यू क्या होती थी, 0, और अगर पी होता था तो एल वैल्यू 1 होती थी,
डी होता था तो एल वैल्यू टू होती थी, और एफ होता था तो एल वैल्यू थ्री, तो जी होता तो एल वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर होगा। इसका मतलब इससे एक ज्यादा एन वैल्यू होगी, कितना, 4 + 1 5, तो एन की लिस्ट वैल्यू क्या हो गई, 5। हम लोग यहीं से मार्क कर लेते, इतना कोई लिखने की जरूरत नहीं थी। ये बात समझ आ गया है ना। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि जी के बाद एच होगा, आई होगा, जे होगा, तो जे के लिए हमने कहा कि जे ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता तो उसके लिए लिस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या होती, कर लेते हम लोग, नहीं कर लेते, ठीक है, बताइएगा आप लोग करके कर हाँ दे रिकॉर्ड। तो हम लोग कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन 3D के किसी एक ऑर्बिटल में है, किसी में भी हो सकता है, कहीं भी मान लेते हैं, चलो यही मान लेते हैं, है ना, यहां मान लें। तो हम लोग कहेंगे कि अगर इस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर, तीनों क्वांटम नंबर लिखने हैं, एन वैल्यू क्या है और एल वैल्यू क्या है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, ये चारों तीनों लिखने हैं। तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, अरे -2 और -1, जीरो 0, 1 और 2 लिख देते हैं। लेकिन एन वैल्यू कितना दिख रहा है इसका, कहां पे एन वैल्यू क्या है, 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है कौन से सब सेल में है, डी सब सेल में है, तो एल वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। और ML क्या दिख रहा है ऊपर, ये ML अलाइनमेंट है ना, जीरो दिख रहा है। अच्छा, यह आंसर डिफर कर सकता है, कोई ये कह दे कि हम -1 लिखेंगे, लिखो भाई, वो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाया होगा। कोई कह रहा है कि हम 2 दिखाएंगे, बिल्कुल लिख सकता है वो, मतलब इसके 5 सेट आंसर हो जाएंगे, कहीं भी दिशा है ना, सबका आंसर सही है, तो इसका कोई एक यूनिक आंसर नहीं होगा, इसके 5 आंसर हो जाएंगे। यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ -2 से लेके +2 तक कुछ भी लिखोगे, वो सारे आंसर क्या होंगे, सही हो। ये बात समझ आ गया ना, ठीक, नोट कर लो। तो देखिए आपको क्या कहा गया है 26 क्वेश्चन में, एन एटम, पहला क्लू एटम है, उसके पास 29 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 29 निगेटिव चार्ज है, काउंटर करने के लिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसके पास कितने प्रोटॉन भी होने चाहिए, 29 प्रोटॉन होने चाहिए, तभी जाके वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो बाय मेंटेनिंग टू मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या कहेंगे, प्रोटॉन की संख्या 29 होगी, और अगर प्रोटॉन की संख्या 29 है तो एटॉमिक नंबर भी उसका क्या हो जाएगा, 29, है ना, जो कौन होता है 29, हाँ कॉपर होता है, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए, ये कौन सा है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D9 वाला आता है ना, तो 4s1 3d10 कर लेते हैं, है ना, ये ध्यान रहे। क्रोमियम का Cr24 होता है, देखो तो ये 29 वाला है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, है ना, और 3d क्या लिखेंगे, 9 ये आएगा, लेकिन यहाँ पे करेक्शन करना है, ये छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4s एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और इसे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात समझ में, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया, डी ब्लॉक में हाँ, इसका मतलब जो कॉपर है वो कहाँ पाया जाएगा, इसको कॉलोनी कहाँ अलॉट होगी, डी ब्लॉक में। ये बात समझ आ गया ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हाँ पीरियड 4 है, नोट करो। तो ये बताना बड़ा सिंपल है, देखिए यहाँ पे क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस स्पेसीज में कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, है ना, और ये क्या है, ये तो H2 मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज आ गया है ना, आयन बन गया ये, है ना, और ये भी क्या बन गया, आयन बन गया है ना। अब देखिए H2 के पास देखा जाए तो हम कहेंगे कि एक हाइड्रोजन होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते, 1H1, है ना, क्या होता है हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के पास अगर हम बात करते तो एक इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है,
लेकिन दो हाइड्रोजन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये बात समझ आ गया? ठीक है, इसी तरह से H2 के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गया, रिमूव कर लिया गया, भाई प्लस कैसे आएगा, उस सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, रिमूव किया गया है, इसका मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा, टू, दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि H2 प्लस के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8, इसका होता है 8 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और उसके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम के पास है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, दो हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 × 2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गया है, रिमूव कर लिया गया है, इसका मतलब देयर आर 15 इलेक्ट्रॉन इन O2 प्लस। ठीक है, नोट कर।